सो आइए बेटे देखें, कल हमने इंडक्टर का कंसेप्ट बेटे ऑलरेडी कंप्लीट किया था। अब हम बेटे जो हमारा कैपेसिटर का कंसेप्ट है, जब आप कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के साथ बेटे कनेक्ट कर देते हो तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बेटा। इमेजिन करिएगा ये आपके पास एक बेटे कैपेसिटर आपको दे रखा है और आपने ये कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के साथ बेटा कनेक्ट किया है, और एसी सोर्स आप जब कनेक्ट कर देते हो, कैपेसिटी आपने कैपेसिटर की सी बोल दी है और एसी सोर्स ने आपको ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर का इनपुट वोल्टेज आपको बेटा दे रखा है, सी बीइंग द कैपेसिटी ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर चिल्ड्रन, आप सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी आपने पढ़ रखा है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी को मैं अगर ई लिख लूं, दिस वन ई, तो आपका बेटे जो है यहाँ पे चार्ज दैट विल बी इक्वल टू सी इनटू ई। अब बेटे मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना आपको दे रखा है उन्होंने ईएमएफ, डायरेक्टली ये जो साइन वैल्यू है ईएमएफ की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इट विल बी सी ई नॉट एंड साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है जी, अब के नेक्स्ट पीरियड में, ठीक अगला है जी। सो बच्चों, ये आपके पास चार्ज जो है आपके कैपेसिटर की प्लेट्स पर इतना आपको मिल गया, लेकिन जब भी आप बेटे अपने कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की बात करते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हो बेटा, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन चाहिए होता है। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आप इस क्यू की वैल्यू बेटे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, I विल बी इक्वल टू डी डी टी ऑफ योर सी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इट विल बी, एंड बेटे सी एंड ई नॉट कैन बी एडजस्टेड लाइक दिस, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इट विल बी बेटा, एंड I इज इक्वल टू सी ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बेटे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको। अब हम बेटे जब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एडजस्ट करने के लिए, आई आपके पास जो है इट इज ओमेगा सी ई नॉट एंड बेटे दिस इज योर कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपको कॉस की फॉर्म में मिल जाएगा, और आप बच्चों इसको एडजस्ट कर लीजिए, ई नॉट अपॉन वन बाई ओमेगा इंटू सी, एंड आप इसको साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस बेटे लोअर पार्ट ऑफ द इसमें एक आप देखेंगे ये क्वांटिटी, इसको आप बच्चों कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एक्स सी के नाम से जानते हो, और आपके पास ये साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 टर्म है सच रह जाएगा। अब अगर आप बेटे कंपेयर करना इसको इसको चाहो तो यहाँ पे बेटे आपके पास ये वोल्टेज अपॉन आपके पास जो रिएक्टेंस है इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। बेटे इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका करंट जो है बेटा ये आपके वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, अहेड चल रहा है, सो वी कैन इंडिकेट ओवर हियर दैट बेटे आपका जो कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर है रादर, इसमें जो डियर चिल्ड्रन करंट है इट बेटे लीड्स, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज एंगल 5/2, और आप अकॉर्डिंगली फेजर डायग्राम की टर्म्स में भी बेटा बात कर सकते हो। सो इसके बाद बेटे आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक्स सी को थोड़ा सा देखिएगा, इट इज 1/ओमेगा सी इसके बराबर है, ओमेगा आपका बच्चों जो है 1/2 पाई न्यू के बराबर हुआ करता है, सी साथ में एस सच आ जाएगा,
अगर बेटे आप डीसी के लिए कैपेसिटर को यूज करने वाले हैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, एक्ससी विल बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटे जो कैपेसिटर है ये आपके डायरेक्ट करंट को बेटा ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। आपके डायरेक्ट करंट के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो इसको अलाउ नहीं करेगा फ्लो करना। और अगर आप बात करोगे बेटे प्योर एसी की, आपने एसी सोर्स को कनेक्ट किया है अगर इसके साथ, तो आपका बेटे एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, नॉन जीरो है। तो एक्स सी की कुछ छोटी मोटी वैल्यू होगी, बट इट विल बेटा एट द सेम टाइम डील विद द एसी इन सच ए वे दैट कि एसी की पैसेज अलाउड होगी। नो डाउट थोड़ा बहुत बेटे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटे पावर की टर्म्स में, पावर आपके कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा कितनी पावर की कंजम्पशन हो रही है। आपने पावर के लिए पावर आपका बेटे जो है ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस ऑफ एंगल फाई, इन टर्म्स में जब आप बेटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपका फाई, आपने दोनों को वोल्टेज को और करंट को कंपेयर करके देखा कि 90 डिग्री के बराबर है। बच्चों 90 डिग्री क्यों? क्योंकि आपका करंट वोल्टेज से कैपेसिटर के अंदर 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो उस केस में फाई आपका 90 हो जाएगा बेटा, और पावर का लॉस आपका कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं होगा बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। सो इन दिस वे बेटा हम जो लॉसेस हैं हमारे पावर के अक्रॉस द इंडक्टर और अक्रॉस द कैपेसिटर, इनको इस हिसाब से जीरो भी कह सकते हैं। देन बेटा जैसे आप लोग बता रहे थे कि एल सी आर सीरीज सर्किट है उसमें हमें रेजोनेंस कंडीशन पर आपके कंप्लीट सर्किट का बिहेवियर जो है वो चाहिए है, वो उसके लिए आप फिर बेटे क्या कर सकते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में अडॉप्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन जो है जरूर आपके एग्जाम में बेटे मिलेगा कि रेजोनेंस कंडीशन पे आपका सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। इमेजिन करिएगा ये आपके पास बेटे एक इंडक्टर है और ये आपके पास बेटे एक कैपेसिटर है और ये आपके पास बच्चों प्योर रेजिस्टर है, एंड आपने एसी सोर्स जो है यहाँ पे अटैच कर रखा है इनके तीनों के अक्रॉस बेटा, और एसी सोर्स आपको ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आपकी वोल्टेज सेटअप दे देता है। इंडक्टेंस इसकी एल, कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टर की बेटे आर। प्योर इंडक्टर में बच्चों आपका करंट जो है ये वोल्टेज से पीछे है, अगर ये वोल्टेज है ये करंट हो जाएगा। प्योर कैपेसिटर में आपका बेटे जो करंट है ये आगे है और वोल्टेज आपका जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। आई मीन टू से दैट अगर करंट आपका इधर होगा तो करंट अगर आपका वर्टिकल एक्सिस पे है, लेट अस कंसिडर वोल्टेज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, दैट विल बी मच बेटर। आपने इस केस में बेटे ये करंट और वोल्टेज को प्लॉट करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी वोल्टेज, ये आपका करंट 90 डिग्री आगे चला गया, इसमें ये आपकी वोल्टेज, ये करंट आपका बच्चों 90 डिग्री पीछे रह गया। प्योर इंडक्टर के केस में जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में बेटे आपका करंट भी है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप ये आपका जो बेटा वर्टिकल एक्सिस का सेटअप है इन एक्सिस पे इसको प्लॉट कर लीजिएगा, ये आपके पास बेटे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाते हैं, और आपने अपना जो कैपेसिटेटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस हैं इसको आपने बोल दिया एक्स एल, या ये कह लीजिए कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है यहां से लेकर ए पॉइंट तक, और बी पॉइंट तक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, इधर आपका बेटे जो है ये वी अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर है।
प्योर रेजिस्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी है, इट विल बी आई अलोंग दिस एक्सिस दैट आर। और अगर आप बात करोगे इंडक्टर की, ये इंडक्टर है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये आपका करंट से 90 डिग्री ऑलरेडी अहेड है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है तो ये ऑलरेडी है। अब आप बेटे अगर इनको और इन दोनों वेक्टर्स को देखोगे रादर, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और आपका ये वाला जो फर्क इतना यहां से लेकर ये वाला डिफरेंस है वी एल माइनस वी सी के बराबर आपको मिल जाएगा। वी आर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और आप बेटे ये अपना पैरलोग्राम कंप्लीट कर लीजिएगा दिस वे, और आपका ये नेट वोल्टेज आपको बच्चों मिल गया एलसीआर सीरीज सर्किट में, और आपका बेटे ये फेज एंगल फाई आपको यहाँ पे मिल गया। हमें फाई के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें ये वोल्टेज भी चाहिए, हमें इम्पीडेंस भी चाहिए बेटे सर्किट का। तो उस सारे के लिए लेट अस बेटे अप्लाई द रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। कैसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे देखिएगा, ये वाला वेक्टर आपका वी एल माइनस वी सी के बराबर है, ये वी आर के बराबर है, नेट आपका वोल्टेज ई जो है इट विल बी वी एल माइनस वी सी इसका कंप्लीट स्क्वायर प्लस वी आर इसका कंप्लीट स्क्वायर, और ये इसके स्क्वायर रूट के बराबर आपने बेटा इसको मेंशन किया। और आप जानते हैं वी आपका आई इंटू आर होता है, इट विल बी आई इंटू एक्स एल एंड हेयर इट विल बी आई इंटू एक्स सी इसका कंप्लीट स्क्वायर, आई इंटू आर इसका कंप्लीट स्क्वायर, ये ऑल अंडर द रूट आ जाएगा जी बेटे। और आप अपना आई जो है इसको स्क्वायर रूट से बाहर भी एडजस्ट कर सकते हो, इट विल बी आई एंड एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एस एच। अब बेटे इसको आप आई को एडजस्ट कर लीजिए आपकी जो लेफ्ट साइड है, और ई अपॉन आई ये आपको दे देगा जी एक्स एल, आप लिख सकते हो बेटा ओमेगा इंटू एल के बराबर, वन बाई ओमेगा इंटू सी के बराबर इसका कंप्लीट स्क्वायर और आर का कंप्लीट स्क्वायर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट, ये आपको बेटे आपके सर्किट का इंपीडेंस दे देता है, जेड दे देगा ये आपको, जेड विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट, ये आपके एलसीआर सीरीज सर्किट का इंपीडेंस हो गया। और जब आप बेटे फेज एंगल की बात करोगे, फाई की बात करोगे, इस ट्रायंगल में टेन फाई वर्कआउट कर लीजिएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल फाई ये आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर रादर बी आर ये आपको मिल जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल फाई एक्स एल ओमेगा इंटू एल ओमेगा इंटू सी और वन बाई ओमेगा सी कह लीजिए या इसको एस एच रख लीजिएगा, और फाई आपके पास बेटे जो है दैट विल बी टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन बी आर ये एस एच आपको मिल गया। इस एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपका सर्किट बेटा इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है तो आपका फाई पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका सर्किट बेटे कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है तो आपका फाई नेगेटिव रहेगा, और अकॉर्डिंगली हमें बेटे अपने सारे के सारे केसेस में इसको एडजस्ट कर लेना होगा। अब बेटे रेजोनेंस कंडीशन की बात बहुत जरूरी है इसमें करने वाली, कि रेजोनेंस क्या चीज है और आप रेजोनेंस कैसे इसको डिस्कस कर सकते हो बेटे, रेजोनेंस को बेटा रेजोनेंस इन एल सी आर सीरीज सर्किट बेटा, रेजोनेंस में बेटे अगर आपका कैपेसिटेटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं देन वी से दैट की रेजोनेंस हैज टेकन प्लेस। इसमें पुट करिए Z आपका ये फिर जीरो आ जाएगा, R का स्केयर कंप्लीट आ जाएगा स्केयर रूट में, और आपका स्केयर के साथ स्केयर रूट जब कैंसल आउट हो गया इंपीडेंस आपका सिंपली R के बराबर आ जाएगा, और बच्चों आपका जो सर्किट है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा बेटे ये।
और आपका बच्चों फिर करंट कितना बन गया सर्किट में जी, ये ई डिवाइडेड बाय जेड था, अब जेड तो आपका आर के बराबर आ गया, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई अपॉन आर बेटे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ आ जाती है कि आपका ग्राफ देखकर आपको बेटे बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में कि इन वर्टिकल एक्सिस पे आपने करंट लिया, इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी जो है ये कंसिडर की है, ये ओमेगा लिया है, और आपको ये बेटे ग्राफ्स का सेट दे रखा है कुछ ऐसे। एक ग्राफ इस तरफ है, एक ग्राफ आपको ये दे रखा है बेटा, और एक ग्राफ आपके पास ये भी अवेलेबल है, और आप R1, R2 एंड R3 कुछ इस तरीके से आपको ये सारे का सारा दिया हुआ है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी एट विच दिस पीक इज अकरिंग वी कॉल दिस एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। करंट आपका इनवर्सली डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे करंट ज्यादा है इसका मतलब है रेजिस्टेंस R1 जो है ये छोटा होगा इन कंपैरिजन टू R2, R2 इन कंपैरिजन टू R1 अगेन छोटा होगा। तो मैं ये पॉइंट की बेटे बात कर रहा था, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे छोटा मोटा आपको जरूर न्यूमेरिकल कहा जाता है। और कई बार आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है कि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, एक्सएल आपने XC के बराबर कर दिया था, दिस इज ओमेगा एल, दिस इज 1/ओमेगा C, इट इज 2π ν इंटू एल, इट इज 1/2π ν इंटू सी, एंड बेटे आपका जो है एडजस्टमेंट के बाद जब आप देखोगे फ्रीक्वेंसी न्यू का स्केयर बेटे जो है ये आपके पास 1/4π² एल एंड सी के बराबर आ जाता है, और न्यू आपके पास आ गया जी 1/2π√L एंड सी। आप इस तरीके से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसको नॉट डाल देते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश बेटा, आप अपने सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप निकाल सकते हैं। बेटे ये सारी चीजें आपका देखिए पेपर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आना है, इनका फायदा क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से। आपको न्यूमेरिकल में MCQ में कई बार वो कह देते हैं कि एट रेजोनेंस कंडीशन आप को ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, तो आप उसके लिए इम्पीडेंस निकाल दो, करंट निकाल दो, या आपको सर्किट के ये पर्टिकुलर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, उस केस में बेटे आपको एट द सेम टाइम जब भी वो रेजोनेंस कंडीशन की बात करें अपने रब साइड पे लिख लीजिएगा जेड आपका आर के बराबर आ गया है, और आपके सर्किट ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है, और अकॉर्डिंगली हम बेटे इसको देख लेंगे और अपने न्यूमेरिकल को टैकल कर लेंगे बेटा। सो दिस इज द वे जिसके साथ आप बेटे अपना सारे का सारा जो है डिस्कशन ये कंप्लीट कर सकते हैं। देन इसके बाद बेटे कल स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे निकालना जो है उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं बेटे ब्रीफली 2-3 मिनट में बता देता हूँ। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आप लोगों ने ये कंसिडर किया और इसके यहाँ पे आपने अपना बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मैनेज कर लिया, ये आपका पॉइंट O है कंडक्टर के ऊपर आपने कहीं मैनेज किया हुआ, और कंडक्टर के ऊपर आपने बेटा एक जो है एलिमेंट कंसिडर किया जो कि आपका कंडक्टर I करंट कैरी कर रहा है, इस एलिमेंट का लेंथ बच्चों DL है, अदरवाइज यहां से लेकर इसके सेंटर तक का जो सेपरेशन है ये L के बराबर का है, और इसको आप जनरली R कह देते हैं, A सॉरी R इधर बोल देंगे, और लेट इट बी योर दिस वन बी R, इसको हमने R कहा। अब बेटे ये वाला एंगल जो है आपका लेट अस कंसीडर ये फाई के बराबर है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, दिस इज राइट एंगल, आपने यहां से बेटे इसको इसके साथ कंबाइन किया और आपका जो है ये वाला एंगल डियर चिल्ड्रन
हमने बोल दिया फाई वन, और ये वाला एंगल आपका बेटे जो है इसको हमने बोल दिया बेटा फाई टू एंगल, एडजस्टमेंट पर्पसेस के लिए बेटा। और बेटे 11th वाले बच्चे बीच में आ रहे हैं आपका बेटे, नेक्स्ट पीरियड है अदिति रोल नंबर 26 क्लास 11B, अदिति रोल नंबर 26 क्लास 11B बेटे, आर यू गेटिंग मी और नॉट? अदिति नो रिस्पॉन्स एनी हो बेटा। सो ये आपके पास बेटे ये कंप्लीट सेटअप है, तो इसमें आपने पहले बाइट्स एविट्स लॉ लगा लेना है, डीबी निकालोगे आप इस पॉइंट पर इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, इट इज बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर करके आप इसको वर्कआउट कर लोगे बेटा। अदिति रोल नंबर 26 11B क्लास, अदिति अदिति बेटे अनम्यूट योर सेल्फ, अदिति इसमें बेटे फिर आपको ना एक थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस ट्रेंगल से निकालकर, आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डी एल की करनी पड़ेगी। ब्रीफली मैं बेटे हिंट ही दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं अब जाऊंगा। ये आपका एल है, ये आपका ए है, एल अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल फाई, एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, डी एल इज ए सीकेंट स्क्वेयर फाई डी फाई, आपका डी एल निकल गया जो आपने यहाँ पे पुट करना है। और बेटे थीटा प्लस फाई प्लस 90, थीटा प्लस फाई प्लस 90 180 हो गया, थीटा प्लस फाई आपका जो है ये 90 हो गया, और बेटे फाई आपको चाहिए, थीटा आपको एलिमिनेट करना है, थीटा इज 90 माइनस फाई कर दिया आपने, आपने पुट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद बच्चों आपके पास एक स्टिल और बात आ जाती है, थीटा भी निकल गया आपका पुट करने के लिए, डी एल भी निकल गया, बात करेंगे आर की बेटा। आर को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ए अपॉन स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल फाई एंड वन ए अपॉन कॉस फाई, दिस इज आर, आर इज ए सीकेंट फाई, ये सब्स्टिट्यूशन जब आप कर दोगे तो उसके बाद आपको इंटीग्रेट करके बेटा आपका बी मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आपके पास बेटे आ जाएगा एडजस्टमेंट करने के बाद सारी की सारी टर्म्स बेटा 2 4 पाई 2 साइन आई साइन ऑफ एंगल फाई वन प्लस साइन ऑफ एंगल फाई टू, ये आपका फाइव वन और फाइव टू ये वैल्यूज आ जाती हैं। एंटी क्लॉकवाइज आपके जितने भी बेटा एंगल्स का आप मेजरमेंट करोगे आप इनको नेगेटिव ले लोगे, क्लॉकवाइज एंगल्स आपके आप पॉजिटिव लिया करते हो तो वहां पे बेटे आप अकॉर्डिंगली जब सब्स्टिट्यूशन करोगे आपका साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव का आ जाएगा। सो दिस वे बेटे आप अपना स्ट्रेट कंडक्टर का जो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और आप अकॉर्डिंगली इसको बेटे अपने रिजल्ट्स के लिए यूज भी कर सकते हो। अदरवाइज में अगर बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में शॉर्टकट वे में आप इसको देखना चाहो, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस आपने आर या ए बोला हुआ है, तो आप बेटे इस केस में अपना बाइट सेवर्ट्स लॉ ना लगाकर एम्पियर्स लॉ अगर लगा दें उसके अकॉर्डिंगली बी डॉट डी एल आपका म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है, आई आपका करंट है, ये आपका क्लोज्ड पाथ डियर चिल्ड्रन हो गया, और यहाँ पे आपका डी एल और बी आप अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो सेम डायरेक्शन में है, तो बी डी एल कॉस 0 इसका क्लोज्ड इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ जाएगा, बी डी एल म्यू नॉट इंटू आई जी बी डी एल आपका 2 पाई ए आएगा, इट इज म्यू नॉट इंटू आई
और बच्चे बी आपके पास जो है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई ए के बराबर आ गया। कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा। और बच्चों अगर आपका यही स्ट्रेट कंडक्टर की आप क्वाइल बना लोगे और क्वाइल का रेडियस आप ए ले लोगे तो ये पाई वाली टर्म नहीं आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू आई टू ए आ जाएगा बेटा। सो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। आपके कुछ और पॉइंट्स होंगे तो वी विल डिस्कस टुमारो बेटे।